गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने हमारी मैथ की एक्सरसाइज 3E स्टार्ट की थी, जिसके हमने 4 सम किए थे। फिफ्थ सम देखिए, 52 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड आर गोइंग टू सॉरी ये कर लिया था। अमर हैज़ 59 काइट्स, ही गेव 27 काइट्स टू कर्न। अमर के पास 59 काइट्स हैं, उसने करण को 27 काइट्स दे दिए हैं। हाउ मैनी काइट्स आर लेफ्ट विद हिम, तो उसके साथ पास कितने काइट्स रह गए हैं। देखिए, अमर हैज़ टोटल काइट्स, अमर के पास कितने काइट्स हैं, 59। ही गिव टू करण, करण को कितने दिए उसने, 27। काइट्स आर लेफ्ट, कितने काइट्स रह गए, 59 में से जब 27 कट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 32 काइट्स आर लेफ्ट विद हिम। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, नेक्स्ट चैप्टर हमारा फोर्थ है। नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ, शेप्स एंड पैटर्न्स, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से लाइंस, स्ट्रेट लाइंस एंड कवर्ड लाइंस। स्ट्रेट लाइंस होती है बेटा सीधी, और कर्व होती हैं ऐसे वक्र रेखाएं जैसे बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स एंड कर्व लाइन्स। दो प्रकार के लाइनें होते हैं, एक तो स्ट्रेट और एक कर्व। द बॉय इज राइडिंग ऑन अ स्विंग, ऑब्जर्व द रोप हेयर, इफ यू स्ट्रेच अ रोप टाइटली यू गेट अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक बच्चा यहाँ झूला ले रहा है, अगर हम इस रोप को बिल्कुल सीधा रखते हैं खींच कर, तो ये कौन सी लाइन बनाती है, स्ट्रेट। ए बॉय इज स्किपिंग रोप, ऑब्जर्व द रोप इन दिस केस, इफ यू होल्ड द रोप लूजली यू गेट अ कर्व लाइन। तो देखो, पहले हम ये रस्सी को बिल्कुल टाइट किया तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, और इसको ढीला छोड़ रखा तो ये क्या है, कर्व बना हुआ है, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं वो स्क्वेयर, रेक्टेंगल्स एंड ट्रायंगल, ये जो स्क्वेयर्स होते हैं, ठीक है, जैसे बिल्कुल चौरस रेक्टेंगल जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, और दो ये वाले बराबर, दो ये वाले बराबर। ट्रायंगल ये वाला, ये किन से बना होता है, ये स्ट्रेट लाइन से। और सर्कल जो होते हैं ये किससे बने होते हैं, कर्व्ड लाइन से। ए स्ट्रेट लाइन कैन बी स्लिपिंग, स्टैंडिंग और स्लैंटिंग। स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन बिल्कुल सीधी, और स्लैंटिंग ऐसे थोड़ी टेढ़ी, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, ट्रेस द लाइन्स टू हेल्प द एनिमल्स रीच देयर होम, राइट सी फॉर कर्व्ड लाइन एंड एस फॉर स्ट्रेट लाइन इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। पहले बेटा आपने इसको बिल्कुल इसको ट्रेस करना है, ठीक है। अब ये बर्ड है, अपने घर तक जा रहा है, नेक्स्ट में नेस्ट में जा रहा है, तो ये कौन सी लाइन है, ये टेढ़ी मेढ़ी है ना ऐसे ऊपर नहीं चाहिए, कौन सी लाइन है, कर्व। फ्रॉग टू द पॉन्ड, मेंढक तालाब में जा रहा है, तो ये कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए क्या लिखना है, एस। डॉग, ये भी स्ट्रेट लाइन है, एस। बी टू द हाइव, मधुमक्खी अपने उसमें जा रही है छत्ते में, ये देखिए ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये कौन सी है, कर्व लाइन। ये आपने स्ट्रेट करनी है और ये आपने यहाँ पे फिल करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।